योगी सरकार में मनचलों की हरकत रुकने का नाम नहीं ले रही है। भले ही योगी सरकार ने एंटी रोमियो टीम स्क्वाड का गठन हो चुका हो, वहीं मनचलों के हौसले आज भी बुलंद है। मनचलों ने एक छात्रा को इतना परेशान किया कि उसने कॉलेज तक जाना छोड़ दिया और छात्रा को मनचलों ने पूरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। पीड़ित छात्रा ने एक हफ्ते पहले पुलिस को तहरीर देकर मामले से अवगत कराया था। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, थाना सिविल लाइन क्षेत्र के राजकीय मैदान में स्कूली छात्र जो शराब का सेवन करे हुए थे, उन्होंने शिकायत पर पहुंची एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी छेड़छाड़ की और उन्हें दबाव में लेने की कोशिश की। तभी सख्ती से पेश आई महिला पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में छात्रों को जिला अस्पताल में मेडिकल जाँच के लिए भर्ती कराया। सभी छात्रों ने जिला अस्पताल में भी जमकर हंगामा काटा और वहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की। मेडिकल परीक्षण के बाद सभी छात्रों को सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करने की बात कही है। मुजफ्फरनगर से न्यूज के लिए गौरव पवार की रिपोर्ट। एंटी रोमियो स्क्वाड हमारा घूम रहा था तो महावीर चौक के पास कुछ लड़के शराब पी के अभद्र हरकतें कर रहे थे। इस पर एंटी रोमियो स्क्वाड वालों ने उन्हें पकड़ा तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों ने शराब का सेवन कर रखा हो। उन्हें तो हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर उनका मेडिकल कराया गया। वहाँ से ये सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ संबंधित जो हमारी महिला स्क्वाड की सब इंस्पेक्टर है वो और थाना कोतवाली के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने एक तो वहाँ शराब के नशे में शीशा वीशा भी तोड़ा है। अभी उनका मेडिकल हो जाए, उनके ऊपर उचित धाराओं में कार्रवाई कराई जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ।